शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं आप सभी लोग बहुत हैरान हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि डॉक्टर सालू के जैसा आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी 5 रुपए तक किसी पार्टी में नहीं दिए, वो आज इतनी बड़ी पार्टी कैसे दे रहा है। लेकिन दोस्तों, बात ही कुछ ऐसी है। कल तक जहां वीरान बंजर जमीन हुआ करती थी, वहां आज भगवान की दया से लहलाती हुई फसल आ गई है। हे भगवान। लेकिन मैं जानता हूं कुछ लोग इस बात से जलते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उन्हें तरीके से जलाया जाए, और इसी खुशी में मैंने आप लोगों को ये पार्टी दी है। Cheers to all of you. Cheers. Cheers. अरे ऐसे क्या चीयर से एसीपी साहब, मैंने सोचा आप इस पार्टी में डांस वांस करोगे, आप तो खुशी नजर नहीं आ रहे। अरे यार देखो सालुंखे, ये बात अरे क्या बात सालुंखे, ये जो आंसू है ना, ये मेरे खुशी के आंसू हैं। क्या बात कर रहे हो, खुशी के आंसू हैं? हाँ, एक्चुअली असली बात ये है कि समझ में नहीं आ रहा है कि आंसू सुख के हैं या दुख के हैं। नहीं नहीं, ये गलत बात है। देखिए सब साहब, मैं तो कहता हूँ आप बिना 10-20 बाल उगा लीजिए। देखिए मैं लेके आया हूँ। क्या बाल? अरे बाल नहीं, उस डॉक्टर का नंबर जिसने खेती उगाई है, आप भी उगवा लीजिए, अच्छा रहेगा। सालुन के मैं जैसा हूँ खुश हूँ। खुश है? बिल्कुल। वेरी गुड, तो फिर मैं आपके लिए ड्रिंक लेके आऊँ। सालुन के तुम्हें पता है मैं शराब नहीं पीता। शराब नहीं, जूस। सिर्फ जूस। सिर्फ जूस, उसमें कुछ मिलाना नहीं, समझे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सालुंगे, यार ये ड्रिंक्स बनाना छोड़ दे और अपने गेस्ट को मिलो। मेरे गेस्ट? हाँ। एक्सक्यूज मी, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप मुझसे मिलने आए? हाँ, मैं एसीपी से मिलने आया हूँ। बस बस। देखिए भाई साहब, ये एसीपी का ऑफिस नहीं है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये डॉक्टर सालुके के बाल उगने की पार्टी है। तो वो क्या नाम बताया आपने अपना? ए हेलो, ए भाई साहब, अरे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप जाइए यहाँ से, इससे पहले कि मैं आपका कुछ करूँ, आप निकल जाइए प्लीज, गो। ऐसे नहीं मानेगा तू? अरे क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। छोड़ो, गन नीचे कर। कौन हो तुम, यहाँ आने की हिम्मत कैसे की तुमने? एसीपी साहब, आपसे मिलने की बहुत तमन्ना थी। कौन हो तुम? एक मिनट, सिर्फ एक मिनट एसीपी साहब, कोई हिलना नहीं, हिलना नहीं कोई। देखो गन नीचे करो। हिलना नहीं कोई। डॉक्टर साहब, आपकी पार्टी में इस तरह बिन बुलाए आने के लिए माफी चाहता हूँ। क्या है कि एसीपी साहब को मुझे एक तोहफा देना था, गिफ्ट। आपके बालों के बारे में बाद में बात करेंगे। कैसा गिफ्ट? कौन हो तुम, क्या चाहते हो तुम? डॉक्टर सालुंके के साथ इतने सालों तक काम किया, मगर कभी ये नहीं सोचा था। और भैया जरा जल्दी करना ना, कि उनके बालों को लेके एक पार्टी होगी और पार्टी में एक केक काटा जाएगा। ये क्या, ये क्या, ये एसीपी इधर आओ ना, इधर आओ। हाँ, पास थोड़ा और पास। आओ,
पर सर उनके इतने सारे बाल अचानक कहाँ से गए? अरे वो एक नया तरीका है ना, वो नई टेक्निक। अरे वो ये सामने बाल लगाते हैं जो। पर ये सब लगाते कैसे हैं? वो यहाँ सर पे होल करते हैं हाँ। और एक एक बाल को अच्छी तरह से लगाते हैं, जैसे राइस प्लांट्स लगाते हैं खेतों में। हाँ बिल्कुल वैसे ही। देखो ये खतरनाक खेल खेलना बंद करो, समझे? बंद करो ये खेल। क्या करना चाहते हो तुम? ये क्या करना चाहते हो? एसीपी साहब आप चुप रहिए, बिल्कुल चुप, और हिलिएगा नहीं। आप तो आपके टुकड़े तो उड़ेंगे, ये बेचारे वे मौत मारे जाएंगे, और वो आप नहीं चाहते। क्यों? अब तो सर एसीपी सर को भी बाल लगा लेने चाहिए। नहीं नहीं, ये बात गलती से भी अपने मुंह से मत निकालना, समझे? और जोर से मत बोल देना ये बात, कहीं से भी सुन तो नहीं रहे। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं चाहते हैं। अरे क्या कर रहे हो तुम? हाँ क्या कर रहे हो तुम? एसीपी, एसीपी हिलना नहीं, वरना तुम्हारे साथ देखो ये सब जाएंगे। मुझे सिर्फ पिन खींचना है बॉम्ब का, समझे? पागलपन मत करो। हिलना नहीं एसीपी, हिलना नहीं, हिलना नहीं एसीपी। क्या कर रहे हो? हिलना नहीं एसीपी। क्या कर रहे हो तुम? देखो मेरी बात मानो, बंद करो ये सब खेल, तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। पर क्यों सर? कहा ना तुमसे ये बात बोलो ही मत, समझे? मारे जाओगे, कुछ और बात करो। सर मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि डॉक्टर सालुन के काफी स्मार्ट दिख रहे हैं। किसी का तो डर है कि वो स्मार्ट दिख रहे हैं। पहले एसीपी सालुन के दोनों बराबर थे, अब सालुन के ने आग लगा दी, बाल लगा के आ गए। पता नहीं दोनों का ये वार कहां तक जाएगा। क्या हमारा तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते, समझे? नहीं जा सकते तुम। जाना कौन चाहता है एसीपी? अभी तो मैं पार्टी में आया हूं। बस आप इतना ख्याल रखिएगा कि हिलिएगा मत, क्योंकि अगर आप हिले या ये दरवाजा खुला ना तो ये तार खिंच जाएगा, और अगर तार खिंच जाएगा तो ग्रेनेड का पिन निकल जाएगा, तो आपके टुकड़े तोड़ेंगे, और साथ में ये सब लोग भी बेमौत मारे जाएंगे जो आप नहीं चाहते। हिलना नहीं, नहीं हिलना बिल्कुल नहीं। फ्रेडरिक्स नहीं, मुस्कान। एक हजार बाल। एक हजार बाल लगवाए डॉक्टर सलुंके ने। एसीपी साहब को फोन कर देता हूँ कि हम लोग आ रहे हैं, नहीं तो रावण भड़क जाएगा। ए! फोन किसका बजा? किसका फोन बजा? ये तो मेरा मोबाइल बज रहा है, इसे किसी तरह मुझे ऑन करना चाहिए। फोन नहीं लेना तो। हेलो सर, हेलो सर, हेलो। क्या हुआ, कट गया क्या? लाइन तो चालू है मगर आवाज नहीं आ रही। कट करके फिर से ट्राई करो ना। क्या कर रहे हो? बोलो ना, हिलना मत, पागल हो गए हो? पागल हो गए? अक्ल आ गई है। हेलो हेलो, हाँ सर हेलो, क्या हुआ? नहीं एसीपी साहब किसी से बात कर रहे हैं मगर आवाज बहुत धीमी आ रही है। लगता है डॉक्टर सालुंके और एसीपी साहब के बीच फिर से झगड़ा हो गया। क्या कर रहे हो? बोलो ना, हिलना मत। नहीं दया, आवाज किसी और की है। लगता है उनका फोन कहीं दूर रखा हुआ है, ये लो खुद ही सुन लो। ये एसीपी साहब किससे बात कर रहे हैं? ये आदमी है कौन? ये आदमी तो किसी को मारने की धमकी दे रहा है। एसीपी साहब जरूर किसी मुश्किल में है, मगर एसीपी साहब को तो पार्टी में होना चाहिए था। और साथ में ये सब लोग भी बेमौत मारे जाएंगे जो आप नहीं चाहते। बस पार्टी में जरूर कुछ गड़बड़ है, ये तो वहीं जाके पता चलेगा। दया जल्दी चलो। देखो
देखो प्लीज प्लीज ऐसा कुछ मत करना प्लीज, मेरी बात मानो। डर गए एसीपी? तुम्हें गिड़गिड़ाते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आज तुम्हारी जान खतरे में है तो भीख मांग रहे हो? भूल गए वो दिन जब तुमने मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद की थी? भूल गए? भाई? तुम्हारा भाई? चक्कर है? हाँ एसीपी, मेरा भाई जेल में है। एसीपी, तुम्हारी वजह से मेरा भाई जेल में सड़ रहा है और तुम ही उसे निकालोगे। देखो मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। अगर तुमने मेरे भाई को बाहर नहीं निकाला ना तो ये सब मरेंगे और तुम लाओगे मेरे भाई को यहाँ। क्या नाम है उसका? मां, मैं मां का छोटा भाई हूँ। मार्क? अरे विवेक, क्या क्या फोन कर? सर मैंने कुछ नहीं किया, फोन अपने आप कट गया। दोबारा फोन करने में खतरा है। उसने एक हैंड ग्रेनेड एसीपी साहब के हाथ में रखा है और उसकी पिन सामने वाले दरवाजे पे बांध रखी है। अगर दरवाजा तोड़ा या खोला तो एसीपी साहब। सर तो अब करेंगे क्या? एक ही रास्ता है। ए, उधर क्या देख रही है? कौन है? कोई नहीं। नीचे मच्छर भिनभिना रहे हैं ना? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा मैंने। कुछ गड़बड़ है। दया, विवेक, निकलो यहाँ से। सबसे पहले हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि इस आदमी का नाम पता क्या है। विवेक, यस सर। इसके डिटेल कंप्यूटर में डालो। रंग गोरा, लंबाई 6 फीट, आंखें हल्की भूरी और गाल भी कटे के निशान है। यस सर। तब तक हम लोग हार्ड कॉपी चेक करते हैं। ये? नहीं। नेक्स्ट? नहीं, ये नहीं। ये? नहीं, ये भी नहीं है। ये सर? नहीं, ये भी नहीं है। वो सर लिस्ट तो बहुत लंबी है। विवेक, इनमें से उन लोगों को अलग करो जो बॉम्ब जैसे हथियार इस्तेमाल करने में एक्सपर्ट हो। हेलो, कौन? मोहित? हाँ मैं ठीक हूँ यार, क्या हुआ? बहुत दिन के बाद फोन किया। टीवी? क्यों, क्या हुआ? क्या? ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके, क्या हुआ? मेरे दोस्त का फोन था, कह रहे टीवी पे कुछ दिखा रहे हैं सीआईडी के बारे में, देखते हैं। विवेक ट्राई करते रहो। जी सर। इस बिल्डिंग के टेरेस पर हो रही थी ये पार्टी। इस पार्टी में लगभग 50 लोग मौजूद हैं, जिनमें से कुछ सीआईडी ऑफिसर्स भी हैं। एक गुमनाम अपराधी ने सारे गेस्ट को कैद कर लिया है, वो पूरी बिल्डिंग को उड़ाने की धमकी दे रहा है। अब तक पता नहीं चला है कि उसकी मांगे क्या है। ये न्यूज़ चैनल वाले कहां से पहुंच गए? जरूर उन गेस्ट में से किसी ने चुपके से फोन किया होगा न्यूज़ चैनल वालों को, कहीं से खतरा और ना बढ़ जाए। इस आदमी ने घबराहट में कुछ कर दिया ना, कितने मासूम लोग मारे जाएंगे।
ये देखिए सर, यही है। नाम क्या है इसका? रॉबिन। जी सर, रॉबिन दो बार छोटी मोटी चोरी करते हुए पकड़ा गया था सर, फिर उसने चोरी छोड़ के खुद की केमिकल फैक्ट्री शुरू कर दी सर। अच्छा, मतलब प्रमोशन हो गया इसका, चोरी छोड़कर बॉम्ब फोड़ना शुरू कर दिया इसने, हाँ? और इसका भाई, इसके भाई के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, जब पुलिस ने इसे पकड़ा था वो अकेला था सर, इसके फैमिली के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, हम इसके घर चलते हैं, वहाँ मैं जरूर कुछ ना कुछ पता चलूंगा। एसीपी, वाह, ग्रेट पुलिस ऑफिसर है तू। एक आदमी जिसकी सारी जिंदगी सलाखों के पीछे धकेल दी, सारी जिंदगी, उसे इतनी आसानी से भूल गया जैसे वो कोई छोटा मोटा केस था। मार्क, हेलो हेलो सीआईडी, आप प्लीज जल्दी से प्लॉट नंबर 402 दरिया महल में जल्दी से आ जाइए प्लीज, यहाँ एक खून होने वाला है। हाँ, खून, मेरा खून, प्लीज आप जल्दी से आ जाइए। हाँ तो तुम्हें पता था कि मैं यहां आने वाला हूं? ओ माय गॉड, तो तुम हो, इसीलिए तुमने सीआईडी को बुला दिया। मुझसे ज्यादा तुमको सीआईडी पे भरोसा था। या फिर तुम तो गए मार्क, तुम तो गए। वो मार्क तुम्हारा भाई था, इसका मतलब तुम रॉबिन? अब कुछ याद आया एसीपी, मैं उस बेचारे मार्क का छोटा भाई हूं, रॉबिन। मार्क बेचारा? तुम्हारा भाई मार्क बेचारा नहीं था समझे, वो एक सुपारी किलर था, खूनी था वो। 5,000 रुपए के लिए एक आदमी की जान ली थी उसने। और अगर मार्क बेगुनाह है ना, तो जेल में बैठे सारे कैदी बेगुनाह हैं। और उसकी बेगुनाही की बात कौन कर रहा है? तुम? तू तो एक चोर है चोर। 1 साल के लिए जेल में बंद थे ना। एसीपी, मैं यहाँ तेरा लेक्चर सुनने नहीं आया हूँ, मुझे मेरा भाई चाहिए और उसे तू निकाल के लाएगा जेल से यहाँ, समझा? वो कैसे? वो तेरी प्रॉब्लम है, कैसे तू सोचेगा एसीपी? और अगर मेरा भाई नहीं आया ना बाहर, तो ये जितने लोग हैं ना, ये सब जाएंगे ऊपर, समझा? क्या मतलब है तुम्हारा? एसीपी, तेरे पास और कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं है तेरे पास। तू लाएगा मेरे भाई को यहाँ, समझा? यहाँ? देखो रॉबिन, मैं तुम्हारे भाई को यहाँ नहीं ला सकता। तू ऐसे नहीं मानेगा एसीपी। घर में कोई नहीं है बॉस। सर, लेकिन यहाँ तो कोई लॉक नहीं है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन टाइम नहीं है अपने पास। दरवाजा तोड़ दे। ओह गॉड, क्या क्या मिला तुम्हें ये करके रॉबिन? क्या मिला? अरे, इन मासूम लोगों ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तुम्हारा भाई तो अब तेरी समझ में बात आई है एसीपी। मेरे भाई को छुड़वा के यहाँ ले आ, नहीं तो मैं नहीं। ये दूसरा भी फेंक दूंगा एसीपी।
फिर कैसे कैसे ला सकता हूं मैं तुम्हारे भाई को यहां? कैसे ला सकता? एक मिनट रोबिन, मैं तुम्हारे भाई को यहां बुलवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे उसके लिए एक फोन करना होगा। सर घर में तो कोई नहीं है, तो फिर दरवाजा अंदर से बंद कैसे था? ये रॉबिन अजीब आदमी है, कुछ भी कर सकता है। देखो इस घर में उसके भाई के बारे में जरूर कुछ ना कुछ पता चलेगा। अपने घर बॉम्ब छोड़ा लिया। ये आदमी बहुत खतरनाक है, जल्दी से जल्दी इसके भाई को ढूंढना पड़ेगा। विवेक विवेक विवेक, लेडी को हॉस्पिटल लेके जाओ जल्दी। हेलो एसीपी साहब, आप ठीक तो है ना? अभिजीत मैं ठीक हूँ। सर हम लोग रॉबिन के घर पहुंचे थे। देखो अभिजीत, हमारे पास वक्त बहुत कम है। क्या हुआ सर? रॉबिन का भाई मार्क जेल में, पार्टी में लेकर आओ, समझे? सर आप ये क्या कह रहे हैं सर? मार्क तो देखो, ये बहस करने का वक्त नहीं है। रॉबिन के भाई मार्क को यहाँ पार्टी में लेकर आओ, एंड दैट्स एन ऑर्डर, समझे? मगर सर अभिजीत, मगर हेलो देखो रॉबिन, अभी तुम्हारे सामने मैंने अपने एक टीम के ऑफिसर को कहा है कि तुम्हारे भाई को यहाँ लेकर आए, बहुत जल्दी तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ होगा, लेकिन इन मासूम लोगों की जाने मत लो। अच्छा प्लीज, तो तुम्हारे कुछ साथी बाहर भी है? मैं तो समझ रहा था सबको एक साथ पकड़ूंगा। कोई बात नहीं एसीपी, तुम्हारे टुकड़े संभालने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। हा? यार दे, समझ में नहीं आ रहा है, एसीपी साहब ने मुझसे कभी इस तरह से बात नहीं की थी। मगर एसीपी साहब ने कहा क्या? उन्होंने कहा कि रॉबिन के भाई मार्क को जेल से छुड़ा के लाओ और पार्टी में लेके आओ। मतलब रॉबिन का भाई मार्क है? हाँ, मगर उसे तो फांसी हो चुकी। अरे यार यही तो समझ में नहीं आ रहा, एसीपी साहब को पता है फिर भी उन्होंने, तुमने एसीपी साहब को बताने की कोशिश की? अरे बात सुनी नहीं ना। मगर बॉस, एसीपी प्रद्युमन बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करते। उन्होंने रॉबिन के सामने मुझसे उसके भाई को लाने के लिए कहा, और जब मैंने उन्हें याद दिलाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे बीच में रोक दिया। बॉस इसका मतलब साफ है। या शायद रॉबिन को पता नहीं है उसका भाई मर चुका है। हाँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? रॉबिन को पता कैसे नहीं है? संभाल के। जल्दी से डॉक्टर कारंडे के पास लेडीज वार्ड में ले चलो, ठीक है? यस सर।
सिस्टर एक मिनट। यस सर। ये तो मिल्सा है, रॉबिन की बीवी। क्या हुआ इसे? पता नहीं सर, सीआईडी वाले इसे लेकर आए हैं। डॉक्टर साहब जी, एक मिनट, आप उस औरत को जानते हैं? बहुत अच्छी तरह से। ये कई बार अपने पति का इलाज कराने के लिए यहाँ आई थी। पति के इलाज के लिए? जी हाँ। रॉबिन यहाँ आया था। अभी भी कभी उस लेडी की हालत कैसी है? सर अब वो बिल्कुल ठीक है सर, दम घुटने की वजह से वो बेहोश हो गई थी सर। सर मुझे ये भी पता चला है कि ये औरत रॉबिन की बीवी मेलिसा है सर। क्या मतलब, रॉबिन ने अपनी वाइफ को मारने के लिए वहाँ पे छोड़ा था? ये बात तुम्हें उस औरत ने खुद बताई है? नहीं सर, यहाँ पे उसे एक डॉक्टर ने पहचान लिया था सर। रॉबिन इस हॉस्पिटल में कई बार आ चुका है सर। क्यों, कोई बीमारी है उसे? तो डॉक्टर ने कहा कि उसे एक तरह का एमनीजिया है सर, भूलने की बीमारी। कभी कभी उसे ऐसा दौरा पड़ता है सर कि उसकी याददाश्त काम करना बंद कर देती है सर। ओह, तुम्हारा मतलब है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस? जी सर। मतलब जब दौरा खत्म होता है तो उसे याद नहीं रहता कि इस बीच में क्या हुआ था। अब समझ में आ रहा है कि रॉबिन को पता कैसे नहीं कि उसका भाई मार्क मर चुका है। लेकिन ये मार्क है कौन? मार्क उसका भाई था जिसे एक हफ्ते पहले फांसी लग चुकी है। अच्छा, जब ये मेलिसा बात करने लगे तो मुझे फोन कराना। ओके? यस सर। रॉबिन की आदर्श खराब है? हाँ, मुझे लगता है जब उसने अपने भाई की फांसी की खबर सुनी होगी तो उसके दिमाग में गहरा धक्का लगा, सब कुछ भूल गया है। ये सब सुनकर बस मेरा भी दिमाग घूम गया। जरा न्यूज सुनते हैं। एक विशेष समाचार, जिस बिल्डिंग में डॉक्टर सालुंके की पार्टी हो रही थी वहाँ अभी अभी एक विस्फोट हुआ है। सूचना के अनुसार ये विस्फोट अभी कुछ ही देर पहले हुआ है। कहा जा रहा है कि इसमें कुछ लोगों के मारे जाने की भी संभावना है। पर आप सुनिए मौसम का हाल। कुछ लोगों के मारे जाने की खबर है? मेरी तो अभी अभी एसीपी साहब से बात हुई थी, पता नहीं कौन कौन मारा गया। अब तो बॉस पार्टी में घुसना ही पड़ेगा। पर घुसेंगे कैसे, दरवाजा तो रॉबिन ने बंद कर रखा है, और अगर तोड़ा तो? हम लोग बिल्डिंग के बाहर से घुसेंगे पार्टी में। हाँ, यही करना पड़ेगा। मैं फायर ब्रिगेड को फोन करता हूँ। हेलो फायर स्टेशन, मैं इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ सीआईडी से। मुझे आपकी एक वैन चाहिए अभी। टाइम लगेगा क्यों? ओके ओके ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। बरसोवा की एक बिल्डिंग में आग लगी है, सारी वैन वहाँ पे गई हुई है। अब क्या करें? प्रेस वालों ने तो यहाँ भीड़ जमा रखी है। यार एक काम करते हैं, गाड़ी यहाँ छोड़ते हैं, पीछे से निकलते हैं। वो देखो इंस्पेक्टर दया। अब बचना मुश्किल है बस। सुधीर कैमरा ऑन करो। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? आपको हेल्प प्लीज। खबर मिली है कि सीआईडी टीम के कुछ लोग ऊपर पार्टी में फंसे हुए हैं। एसीपी प्रद्युमन कहाँ पर है? एसीपी प्रद्युमन ऊपर ही है। देखिए हमारे पास बहुत काम है, आप लोग हटिए प्लीज। अगर आप पार्टी में नहीं है तो आप लोग कुछ करते क्यों नहीं है? अभी जो ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसमें कितने लोग मारे गए हैं आप लोगों को तो पता चल गया होगा। हमें कैसे पता चलेगा, हम भी यही है आप लोगों के साथ। वो आदमी कौन है जिसने ऊपर लोगों को कैद करके रखा है, उसकी डिमांड क्या है? अभी बताना कुछ भी मुश्किल है प्लीज। सीआईडी ऑफिसर को बचाने के लिए क्या आप लोग उनकी मांग पूरी करेंगे? देखते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन प्लीज आप लोग कोऑपरेट करिए। एक मिनट, सबको अपना काम करने दीजिए। अपना काम करने दीजिए प्लीज। रुकिए यहाँ पे, आप कुछ बताते क्यों नहीं? सर सर प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए सर, मेरे बच्चों को उनके सिवाय कोई सहारा नहीं है सर। वो यहाँ ऊपर है? हाँ वहाँ ऊपर पार्टी में फंसे हैं सर, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। देखिए आप अब भरोसा रखिए, कुछ नहीं होगा उन्हें। यार वादा तो कर लिया, यहाँ पे क्या होने वाला है कुछ पता नहीं। बस अब चाहे जो हमें किसी तरह से इस पार्टी में घुसना ही पड़ेगा। इतने सारे मासूम लोगों की जान एक पागल मुजरिम के हाथ नहीं छोड़ सकते हम। चलो। हाँ डॉक्टर, डॉक्टर आपने तो कहा था कि ये खतरे से बाहर है, तो फिर इन्हें होश कब आएगा? इसे अब तक होश आ जाना चाहिए। मैं सीआईडी ऑफिसर विवेक हूँ, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। वॉइस वॉइस होल्ड हर।
विवेक तुम्हें काफी चोट आई है, काफी ब्लड आ रहा है। नर्स फास्ट एड फास्ट। मेलिसा मैं विवेक हूँ, मैं सीआईडी से हूँ। हम लोगों ने आपको उस कवर में से बाहर निकाला था, आपके घर में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और मैं ही आपको यहाँ लेके आया हूँ। I'm sorry. मैंने सोचा कि तुम भी रॉबिन के आदमी हो। रॉबिन ने तुम्हें घर में मारने की कोशिश की और वहाँ पे एक पूरे पार्टी को हाईजैक कर रखा है। क्या? हाँ, उसने धमकी दी है कि अगर हमने उसके भाई को जेल से नहीं छुड़ाया तो वो पूरी बिल्डिंग उड़ा देगा। Oh my God. उसका दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गया है वो। उसने तो मुझे भी कब्र में डाल के मारने की कोशिश की। मैं उसे कितनी बार समझा चुकी हूँ कि मार्क मर चुका है। मेलिसा, हमारे पास बहुत कम वक्त है और उस बिल्डिंग में काफी लोग फंसे हुए हैं। हमें किसी भी तरह रॉबिन को रोकना होगा। एक ही इंसान है जिसकी बात रॉबिन सुनेगा। एसीपी, कहाँ मर गए तुम्हारे आदमी? आए क्यों नहीं अभी तक? मुझे नहीं लगता उन्हें तेरी या इन सब की जान की परवाह है। लगता है एक बॉम्ब नहीं रॉबिन, और थोड़ना पड़ेगा मुझे। देखो देखो, उन्हें कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हैं वो? इतना टाइम लगता है, 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगने चाहिए सेंट्रल जेल से यहाँ पहुंचने के लिए। है क्या वो? बात कर, फोन पे बात कर, बात कर फोन पे। यही नंबर मिलाया था ना तुम्हें? ए हेलो, ए इंस्पेक्टर, कहां तक पहुंचा है तू? हैं, ये ले अपने एसीपी से बात कर, उसकी हवा टाइट है। ये ले एसीपी, बात कर बात कर बात कर बात कर। हेलो अभिजीत, अभिजीत कहां हो तुम लोग? काम हुआ कि नहीं? हां सर, हम लोग 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। जल्दी आ जाओ, यहां बहुत लोग मारे गए, पता नहीं ये दूसरा भी बॉम्ब फोड़ देगा। जल्दी आ जाओ। यस सर। अबे यस सर के बच्चे, यस सर मत कर, जल्दी से आ जा यहां पर। मैंने हाथ में ग्रेनेड पकड़ा हुआ है, मेरे हाथ थक गए हैं। ये पकड़ने से बहुत खुजली होती है हाथ में, मैं ज्यादा देर इसको पकड़ के खड़ा नहीं रह सकता, समझा? जल्दी आ। यस सर का बच्चा। हटिए प्लीज, हटिए, पीछे हटिए प्लीज। इसे कोई फायदा नहीं है। ए, हिलना नहीं, कोई मत हिलना।
हिलना नहीं कोई, बिल्कुल नहीं हिलना। मैं अपने भाई को तो नहीं बचा सका, लेकिन मैं बदला जरूर लूंगा। मैं लूंगा बदला, तुम सबकी जान लेकर मैं लूंगा बदला। रॉबिन, शायद तुम भूल गए हो, तुम्हारा भाई मार्क मर चुका है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं फंसे वाला नहीं, समझे ना? रॉबिन, ये सच है, तुम्हारे भाई को फांसी हो गई है। नहीं, उसे अपने जुर्म की सजा मिल गई है। रॉबिन देखो, रॉबिन तुम जो भी कर रहे हो ना, ये अच्छा नहीं। मेरी बात सुनो रॉबिन। नहीं सुननी मुझे, किसी की बात नहीं सुननी, नहीं सुननी मुझे किसी की बात, नहीं कुछ नहीं सुनना है मुझे, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मेलिसा, रीना, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? रॉबिन बस करो, मार्क मर चुका है। मेलिसा, तुमने फिर वही बात शुरू कर दी, इसीलिए मैंने तुम्हें कबर्ड में बंद कर दिया था। चुप। नहीं रॉबिन, छोड़ दो ये पागलपन, इससे तुम्हारा बदला पूरा नहीं होगा। तुमने अपने बदले के लिए मेरी जान तक लेने की कोशिश की, तुमने कभी ये नहीं सोचा कि तुम्हारे बाद तुम्हारी बेटी का क्या होगा। इससे तो अच्छा कि तुम इसे अपने हाथों से मार दो। पापा, मार्क अंकल ऊपर चले गए। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। हाँ रॉबिन, मार्क के मरने की खबर तुमने खुद सुनी थी और उसी दिन तुम्हें अटैक आया था। फिर तुम्हारे ठीक हो जाने के बाद तुम वो बात भूल गए और मैंने तुम्हें याद कराने की कोशिश ही नहीं की ताकि तुम्हारी हालत फिर खराब ना हो जाए। और जब मैंने तुम्हें बताया, तुमने मेरा यकीन तक नहीं किया। रॉबिन, तुम्हारी याददाश्त की वजह से तुमने बहुत मासूम लोगों की जान ली है। तुम्हारी इस बीमारी की वजह से कोर्ट शायद तुम्हें फांसी नहीं देगा, लेकिन तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे। Thank you.